विद्युत विभाग में निविदा कर्मियों के भुगतान में आ रही विभिन्न समस्याओं को देखते हुए सोमवार को मुख्य अभियंता कार्यालय सभागार मोहद्दीपुर में निजी सचिव अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड सत्य प्रकाश पांडे की अध्यक्षता में जोन के सभी अधीक्षण अभियंता अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निजी सचिव ने निविदा कर्मियों के भुगतान को तत्काल करने और संबंधित जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए सख्त निर्देश दिए। बैठक में नोडल अधीक्षण अभियंता ए.के. श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता ए.के. सिंह सहित सभी जोन के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सत्य प्रकाश पांडे ने कहा, बाहर निकलेंगे, मुझे जो आउटसोर्स वाले साहब पैसा पाते नहीं है उनकी समस्या देख रही, लेकिन जिनको हम भुगतान कर चुके हैं उनके बारे में भी नहीं पता है। दयनीय स्थिति ये है, आउटसोर्स एजेंसी का आपने मना किया, हमने कहा एफ आई आर करिए उसके नाम, एफ आई आर हुआ, वो बात तो सही, लेकिन आप पैसा भी देते जाएंगे हिसाब भी नहीं मांगेंगे तो बहुत स्पष्ट बता दो। मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी तक तो स्थिति था कि कहता कि भाई लोग भर रहे हैं, लेकिन वो भी कहने की स्थिति में हम नहीं है। असहाय की तरह से, विधवा की तरह से बिलाप करने से कोई फायदा नहीं कि साहब हमको कागज नहीं दिया जाए, आपने भुगतान किया है, आप अपने पॉकेट को आप उसके इंडिविजुअल को दिया पैसा, 74 आदमी रखा है उसने 10 आदमी रखा हो, मैं तो ये कहता हूँ 74 भुगतान ले रहा है, सबके जिम्मेदार आप होंगे, सबसेशन में कुछ कोई बात हो जाए आप उतने जिम्मेदार नहीं है, लेकिन एक पैसे के मेजरमेंट में कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। आप लोग इतने या तो गंभीर नहीं है या तो अब लगातार ये बातें डिस्काम से पीसीएल से हर समय से कहा जा रहा था, तो जाएंगे नहीं जब तक भर के मुझे सूचित नहीं करेंगे। ये भी बता दो एससी साहबान लोगों को जिम्मेदारी है, बैठाएंगे एक्सेंस को, बैठाएंगे अकाउंट्स को, अकाउंटेंट को, भरे लोग यहाँ पर चाहे सर्वर डाउन है चाहे सर्वर ओवरलोडेड है, भरेंगे यहाँ भर करके और तब उसके बाद हटेंगे। पोर्टल अगर उस वक्त नहीं मिलेगा तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कार्रवाई करने के लिए, पैसे का बंदोबस्त कर रहे हैं। रिपोर्ट करना होगा, मेहरबानी करके जो भी हो कोई चीज, मैं कट कार्रवाई करना चाहता हूँ, मैं कट कोई बात कहना चाहता हूँ, लेकिन बात मत करो आप लोग गोपुर वालों से, मुझे पूरी तरह से वो है कि एकदम बैठेंगे और मुझे कल दिखाई देगा, मैं कल चेयरमैन से कहूँ कि लोग प्रकट कर रहे हैं भर रहे हैं, नहीं होगा और 20 तारीख तो मैं चाहूँगा तो किसी को नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन मुझे भी जब रिपोर्ट्स करना होता है तो मुझे बाध्य होना पड़ेगा, इंगित करना पड़ेगा किसी व्यक्ति विशेष को, उस डिवीजन पर कोई कार्रवाई हो, उस डिवीजन पर कोई वो हो, ये मैं नहीं चाहूँगा। मेरी जगह पर आप होके आए मॉनिटर करने के लिए, मैंने आपके चीफ को बताया था, चीफ आपकी व्यस्तता है, आपके MD को बताया था, आपके डायरेक्टर को मीटिंग्स में चेयरमैन साहब ने इंगित किया था, डायरेक्टर को मुझे शर्मिंदा आप लोगों पर है कि डायरेक्टर को मुझे भेजना पड़ रहा है, लेकिन मुझे गोरखपुर का, मुझे गोरख बस्ती से इतना नहीं वो है, वहां तो हम भरवा लेंगे उनके जो भी होंगे, लेकिन आप लोग बैठेंगे और भरेंगे इसको। हाँ विनोद, वहां यहाँ सबसे अधिक समस्या था जो है वो एक किलोमीटर का कावन नंबर का सितम्बर 2017 ठीक है, और कसिया ने भी किया है सितम्बर 2018 पढ़ाना कौन है तो बताए हाँ देखो कब तक सितम्बर तक किए हो, लेकिन आप एक भी दिन शूट कर दिए होते हैं, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं भरा जाए, अब ठेकेदार को कह दीजिएगा दर्ज करने का, दादा पैसा हाँ कर दिया जा रहा है, बता क्यों दे रहे हो, साहब जो पूछ रहे हैं आपने अपना भरा
विद्यालय से आप पढ़ रहे हो तो पढ़ चुका हूँ, ये मनी पड़ी हुई है, मैं तो पेमेंट जल्दी तुम लाख मेहनत कर रहे हो, अगर देखेगा नहीं तो सब मेहनत बेकार पूरा बना, अगर दिखाई नहीं पड़ेगा विनोद सबको बैठा ही आज अपने दफ्तर में हो जाएगा सर, बैठ करके यार चंदवली यार वहां जाकर के मुझे प्रेजेंट करना होगा आपकी विपत्त, मैं शो करूंगा चेहरा मेरा थोपड़ा वहाँ चेयरमैन सामने खड़ा होता है, जब 00 पोर्टल देखेंगे तो फिर मैं ये कहूँगा चंदवली को मैंने समझा दिया है साहब कम कर देंगे, पर मीटिंग्स में भरा जा रहा सुना जा रहा है कर रहे हैं, आज आने का ये मुझे थोड़े शक्ति भवन छोड़ के कल आप लोगों का वो है आंदोलन है, मैं यहाँ बैठा हुआ सुबह चेयरमैन साहब से बात हुई उनका नहीं निपटा के आओ शाम तक आ जाओ, एकदम किसी भी आनंद चंदमली माए कसिया के बगल मुझे फोटो मिलता है इतना इसको तुरंत लग करके कौन है और तीसरा डिजन कौन से भाई कौन है, जिस गंभीरता शायद आप लोग इसकी गंभीरता नहीं इसकी मॉनिटरी हम स्वयं करेंगे, हम मतलब चीफ करेंगे, एससी साहबान करेंगे, चीफ साहबान करेंगे, डायरेक्टर डिस्काउंट के करेंगे, डायरेक्टर पीसीएल करेंगे, एमडी डिस्काउंट करेंगे, सभी करेंगे, परिणाम उसका जो गोरखपुर जोन से मुझे आ रहा है केवल डिप्लॉयड ही कितने आदमी टू बी डिप्लॉयड कितने डिप्लॉयड है यहाँ तक सूचना नहीं मिली गई, मैं आगे बातें कर रहा हूँ कि हमको सब इंफॉर्मेशन नहीं है, जहाँ तक आपने भुगतान किया है वहाँ तक की सूचना इसमें भर जानी चाहिए, मैं जा रहा हूँ इस आशा के साथ एक कल जब मैं रिपोर्ट सबमिट करूंगा तब तक पोर्टल में हो जाए। मुझे विगत गोरखपुर जोन से लगातार शिकायतें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ पर सम आउटसोर्स का भी जो है उसमें लगातार असंतोष की बात आती थी, आज उसी की हम अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं कि असंतोष का कारण क्या था, हमने एक पोर्टल बनाया है, पोर्टल पर लगातार संबंधित एक्शन को मॉनिटर करना है, संबंधित एससी को मॉनिटर करना है, संबंधित डायरेक्टर डिस्काम को मॉनिटर करना है, संबंधित एमडी डिस्काम को मॉनिटर करना है, उसके बावजूद भी यह असंतोष क्यों हो रहा है कि जब उनके संज्ञान में है कि यहाँ किस महीने तक भुगतान हुआ है, उस महीने तक भुगतान के उनके जो विभिन्न देय हैं क्यों नहीं उनको प्राप्त हो पा रहे हैं, क्यों उस पर पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है, उसी बात की चर्चा अपने अधिकारियों से किया है, उम्मीद कर रहे हैं ये लोग जो बातें इनको दी गई हैं कल तक इसे पूरा करके ये यहाँ के असंतोष को ख़त्म करेंगे। सर किस क्षेत्र में सर ज़्यादा समस्या मिली है, किस क्षेत्र? दो चीज़ें हैं, देखिए कई चीज़ें नई जब ईजाद की जाती है तो तकनीकी विज्ञता न होने की वजह से या थोड़ी सी कमी की लापरवाही की वजह से उनसे अब इन्हीं को सुविधा हुई कि दिखाई पड़ रहा है कि मैंने जो भुगतान किया वो भुगतान दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे, भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, तो ये थोड़ी सी किसी की कमी नहीं, तकनीकी विज्ञता नहीं है, इनिशिएटिव नहीं है, इस वजह से कुछ जगहों पर नहीं किया जा रहा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं गोरखपुर क्षेत्र के सारे अभियंताओं से कि मुझे कल तक पोर्टल पर सभी की दिखाई पड़े।